हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके सामने आए हैं डिस्कस करने के लिए RBI सिक्योरिटी गार्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस को, और ये सेट नंबर 19 है। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उन सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पर ना, वो सबसे पहले हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी अपडेट रहे, सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। लुक एट दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12। ठीक है, तो अगला क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ये लेवल थोड़ा सा इजी लेवल का आ रहा है, अब लेवल को हम लोग इंक्रीज करेंगे स्लो स्लो, ठीक है ना। तो देखिए, आप देख सकते हैं अल्टरनेट में आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 9 हुआ, अगला क्या होगा आपका 10 होगा। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं 10 हो रहा है, 11 हो रहा है, 12, अगर अगला पूछता तो 13 हो जाता, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, 10 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 36 है, 34 है, 30 है, 28 है, 24 है। अगला नंबर क्या होगा आपको बताना है, क्या है, 36, 34, 30, 28 और 24, आपको बताना है क्या होगा अगला नंबर। यहाँ पे देखिए -2 किया है, यहाँ पे आपका -4 किया है, यहाँ पे -2 किया है, फिर -4 किया है, अगला क्या होगा, -2 होगा। तो -2 अगर 24 में करते तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, महिला क्या कहती है, एक आदमी का परिचय देते हुए कहती है, आदमी यहाँ लिख लेते हैं, आदमी मैन हो गया, का परिचय देते हुए कहती है, वह मेरी माँ की माँ, वह मेरी माँ, महिला की माँ, की माँ, की माँ का इकलौता बेटा है, की माँ मतलब मेरी नानी का इकलौता बेटा क्या होगा, मेरा मामा ना लगेगा, आदमी क्या हो गया, आदमी। तो स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है, स्त्री जो है ना पुरुष से कैसे संबंधित है, एक तरह से क्या लगी, भतीजी लगी, ठीक है। अब सोचिए ना, जैसे ये क्या कहा, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ये आदमी है, इस आदमी का परिचय देते हुए इस महिला ने क्या कहा, वह मेरी माँ, मेरी माँ की माँ मतलब मेरी नानी का इकलौता बेटा है, तो इकलौता बेटा क्या हो गया, वही आदमी हो गया, तो ये आदमी इस महिला क्या लगा, मामा लगा, और ये क्या लगी, इसकी भतीजी लगी, नाइस लगी, तो नीस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सेंटेंस क्या कह रहा है, गोपी पॉइंटिंग टू गोपी नालिनी से, नालिनी कहती है, नालिनी कहती है, नालिनी कहती है गोपी की तरफ पॉइंट करते हुए, आई एम द डॉटर, आई एम द डॉटर, मैं बेटी हूँ ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, किसके ग्रैंडफादर, गोपी के ग्रैंडफादर, गोपी के ग्रैंडफादर जो है ना दादा, उसका जो ओनली बेटा है, उनका इकलौता बेटा, उनकी बेटी हूँ, कौन, नालिनी, तो गोपी क्या हो जाएगा, गोपी भी आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए क्या क्या आंसर दिया हुआ है, तो गोपी और नालिनी क्या हो गया, बहन हो गई ना दोनों आपस में, गोपी गोपी जो हो गई वो क्या हो गई, नालिनी की क्या हो गई, बहन हो गई या भाई हो गया, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि गोपी अगर भाई है तो नालिनी क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नालिनी जो है किस तरीके से रिलेटेड है गोपी से, तो ये दोनों क्या है, भाई बहन है, क्या है, भाई बहन है, तो ये नालिनी बहन हो गई और गोपी क्या हो गया, भाई हो गया, दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों के दादा सेम है, दादा सेम है, फादर भी सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द परम सत्य आंसर, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सर्टेन कोड में एम माइक्रोवेव को हम लोग क्या लिखते हैं, एल जे बी एस एन एक्स जेड डब्ल्यू डी लिखते हैं, तो उसी कोड में पॉपुलर को क्या लिखेंगे, अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, यहां पे देख लेते हैं, माइक्रोवेव को अगर लिखें, माइक्रोवेव एम आई सी आर ओ डब्ल्यू ए वी ई माइक्रोवेव लिखें, और यहां लिखते हैं एल जे बी एस एन एक्स जेड डब्ल्यू डी, लिख दिया ना, अब देखते क्या कर रहा है, यहां पे क्या कह रहा है, माइनस वन किया, यहां क्या किया, प्लस वन किया, माइनस वन किया, प्लस वन किया, इस प्रकार आपका बढ़ते जा रहा है, माइनस वन प्लस वन, इसी प्रकार हम लोग पॉपुलर का भी करेंगे, क्या करेंगे, पॉपुलर का भी निकालेंगे, पॉपुलर पॉपुलर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, इसमें प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, फिर माइनस वन करेंगे ओ आ जाएगा, फिर आपका प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा, आप देखिए ये आंसर किस में आ रहा है, ओपीओ भी एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे टैप को एस जेड ओ लिखता है, टैप को क्या लिखता है, एस जेड ओ लिखता है, तो फ्रीज को क्या लिखेंगे, ठीक है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, टैप को हम लोग लिखते हैं एस जेड ओ, एस जेड ओ, तो क्या कर रहा है, टी में अगर माइनस वन कर रहे हैं तो एस आ रहा है, ए में माइनस वन कर रहे हैं तो जेड आ रहा है, पी में माइनस वन कर रहे हैं तो ओ आ रहा है, उसी प्रकार अगर हम लोग फ्रीज का बात करें,
फ्रीज का, एफ आर डबल ई जेड ई, फ्रीज का अगर बात करेंगे तो एफ में माइनस वन करेंगे तो ई आ जाएगा, आर में माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ई में करेंगे तो डी डी, और जेड में माइनस वन करेंगे तो वाई, ई क्यू डी डी वाई, और ई में करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको देखना है मिरर इमेज, आपको बताना है क्या होगा। ज्योग्राफी अगर देखा जाए, देखिए मिरर क्या होता है, मिरर आपका यहाँ लग गया, यहाँ लग जाएगा मिरर, ठीक है, तो आपको देखना है क्या हो जाएगा। तो देखिए जब मिरर इमेज होता है ना, तो इसमें राइट लेफ्ट चेंज होता है, राइट जो है लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट जो है राइट में चला जाएगा, टॉप बॉटम नहीं चेंज होता है, ठीक है। वाई क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, एकदम स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पे आ जाएगा, वाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, ये पलट गया, ये कभी नहीं होगा। एच की अगर बात करेंगे तो एच यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल एच रहेगा। पी का अगर बात करेंगे तो पी कैसे हो जाएगा, पी आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, तो ये पी सीधा दिया हुआ, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों में सब कोई हो सकता है। ए का बात करेंगे फ्रेंड, तो देखिए टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, खाली पलट जाएगा, ए ऐसा रहेगा, यहाँ पे टॉप बॉटम चेंज हो गया, तो ये भी गलत है। तो अब क्या हो जाएगा, सात का ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, समझ में आ गया ना। चलिए एट में चलते हैं फ्रेंड्स, एट में भी आपका मिरर इमेज से सवाल है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर को लगा देते हैं, अब आप देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। फिर अब हम आएंगे ई पे आएंगे, तो ई सबसे पहले हो जाएगा, तो ई ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है, ये तीनों में रोटेट है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। फिर क्या आएगा, भी आएगा, भी सेम टू सेम रह जाएगा, तीनों में सही है। यहाँ पे देखिए एफ डाल दिया है, ये एफ डाल दिया है, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं आई पे, तो आई सेम रह जाएगा। डी पे अगर बात करेंगे तो टी भी सेम रह जाएगा, ठीक है ना। सी पे अगर बात करेंगे तो सी कैसे आ जाएगा, सी आपका इस प्रकार से आ जाएगा। ई पे बात करेंगे तो ई फिर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, हम लोग मिलाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत जहां भी होगा ना आपको बताना है। एफ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, तो एफ इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन यहाँ एफ क्या दिया हुआ है, एफ आपका सीधा दे दिया, तो ये भी गलत है। तो आठ का क्या हो जाएगा, आठ का भी ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नाइन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, क्या कह रहा है, हम लोग चलते जाएंगे, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, सचिन वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स, क्या बोल रहा है, टुवर्ड्स आपके नॉर्थ के तरफ, नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ क्या करता है, 20 किलोमीटर जाता है। चलिए नॉर्थ, पहले आपको डायरेक्शन पता होगा ना, देखिए ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, पूरा पश्चिम, उत्तर, नॉर्थ और साउथ, दक्षिण, ठीक है। अब देखिए कह रहा है सचिन जो है 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, सचिन है 20 किलोमीटर कहाँ गया, नॉर्थ की तरफ गया 20 किलोमीटर, ठीक है। लास्ट में क्या पूछ रहा है, पहले देख लीजिए डायरेक्शन पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। 20 किलोमीटर गया नॉर्थ में, फिर क्या करता है, ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ा, मीन्स इस साइड मुड़ेगा, और आपका 40 किलोमीटर चलता है, और 40 किलोमीटर गया, कितना चला, 40 किलोमीटर, ठीक है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न लेता है और वॉक्स 20 किलोमीटर, फिर से 20 किलोमीटर जाता है, कितना चला, 20 किलोमीटर चला, ठीक है। फाइनली ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लेके 20 किलोमीटर चलता है, कितना चला, 20 किलोमीटर चला, ओके। हाउ फार इज ही फ्रॉम इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो ये 20 हो गया फ्रेंड, ये 40 है, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, आपका 20 किलोमीटर हो जाएगा, दैट इज 20 किलोमीटर इज द राइट आंसर, समझ में आ गया, बिल्कुल। तो 20 किलोमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड है, क्या कह रहा है हम लोग देख लेंगे। अब डायरेक्शन पूछा है, डिस्टेंस पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे, डायरेक्शन पे गौर करेंगे, क्योंकि नीचे का ऑप्शन देख लीजिए, आपसे पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है कि डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, अपने घर से जो लोकेश है ना 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, 15 किलोमीटर यहाँ किस तरफ, नॉर्थ में गया, यहाँ पे मान लीजिए इसका हाउस है, तो 15 किलोमीटर जाता है अपने घर की तरफ, नॉर्थ में 15 किलोमीटर गया। देन ही टर्न वेस्ट, फिर उसके बाद क्या करता है ना, वेस्ट की तरफ टर्न लेता है, वेस्ट क्या हो गया, इधर टर्न लेता है, एंड कवर 10 किलोमीटर, और जाता है कितना दूर, 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, लिख लेते हैं। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, फिर नीचे की तरफ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है। फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट, टर्निंग करता है ईस्ट की तरफ और 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, हाउस से किस डायरेक्शन में है, तो फ्रेंड देखिएगा ना कि हाउस से किस डायरेक्शन में है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो आ गया यहीं पे आ गया ना, तो ये किस डायरेक्शन में, हाउस की अगर बात करें, हाउस से किस डायरेक्शन में है, तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और अभी है कहाँ पे, यहाँ पे है, हाउस इसका कहाँ था, यहाँ पे था, ठीक है, हाउस था, तो हाउस से किस डायरेक्शन में, हाउस से इस डायरेक्शन में, मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे आपके रीजनिंग के सेट 19 से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूँ। धन्यवाद।